टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी वर्ग में भारतीय टीम द्वारा जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीतने पर देश भर में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं हमीरपुर में लोगों ने इस जीत को लेकर खिलाड़ियों में प्रसन्नता व्यक्त की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 41 साल बाद हॉकी में मिले पदक पर हर तरफ प्रसन्नता और खुशी का माहौल है। हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि भारतीय हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हमारी हॉकी, पहले तो हमारी हॉकी टीम जो इंडिया है, उसको बड़ी बड़ी बधाई जिन्होंने हमारी हॉकी को पुनर्जीवित कर दिया है, और हमारे पूरी टीम जो आई है इसकी तरफ से उसको फिर बधाई मैं दे रहा हूँ, जिन्होंने एक बार फिर हमारी हॉकी को 41 साल बाद मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। और उसमें बड़े बच्चे जो खेले, बहुत अच्छे खेले हैं हमारे प्लेयर, बहुत बढ़िया खेले हैं, और उसकी खुशी में आज जो हम ये कर रहे हैं, ये हमारे उनकी खुशी में सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। वहीं पूर्व हॉकी खिलाड़ी राकेश हांडा ने भारतीय टीम को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि महिला हॉकी टीम कल बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन करेगी। आज जो हमारी इंडिया टीम ब्रॉन्ज मेडल में जीती है, जिसका स्कोर की 5-4 रहा, हम हमीरपुर की हॉकी प्रेमी व पूरे हिंदुस्तान के हॉकी प्रेमी इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और साथ ही हम मनोकामना करते हैं कि कल जो वुमन हॉकी हमारी ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी, वो भी हमारे को लगता है कि 100% जो है वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी। ये हमारी शुभकामनाएं, चक दे इंडिया। हॉकी के खिलाड़ी रहे मनोज कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 41 साल बाद भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीतकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने भारतीय टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी। को बहुत बहुत मुबारक है, आज 41 साल के बाद हमारी हॉकी पुरुष टीम ने जर्मन को 5-4 से हरा के एक बार फिर इतिहास रचा, इसलिए प्रत्येक हमारे हॉकी खिलाड़ी को बहुत बहुत मुबारक है, और मैं उनको सलूट करता हूँ। जवानों के बाद और किसानों के बाद ही एक हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने इतना दम दिखाया। हॉकी का मुकाबला है, उसके लिए रवि दैया जी को और दूसरे पुनिया जी को भी मेरी गुड विशेज, वो भी मेडल जीत के आए। वहीं हॉकी के नेशनल के खिलाड़ी मुन्ना वर्मा ने भारतीय टीम के कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला टीम भी कल के मैच में जीत हासिल कर देश का नाम रोशन करेगी। मेन बात, आज हमारा बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है, आज हमारी हॉकी जो इंडिया की टीम है वो 41 साल के बाद जो उन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में, और सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई, खेल प्रेमियों को। और दूसरी मेरी बेस्ट विशेष, जो हमारी कल सुबह लड़कियों का मैच है हमारी टीम हॉकी इंडिया गर्ल्स का, वो भी मेडल जीते, तो हम कल से फिर ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे। पूर्व हॉकी खिलाड़ी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मॉस्को ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले ये पदक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विश्व की श्रेष्ठ टीमों ने हिस्सा लिया था। ये ब्रॉन्ज मेडल जो आज मिला है, 72 में हरमीक की कमांड में मिला था, और ये उसके बाद मतलब 52 ईयर्स बाद मिला। 80 में ओलंपिक हुई, उसमें 6 टीमें आई थी टोटल, 22 कार की हुआ था, बट ये बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, खासकर हम हिंदुस्तानियों के लिए, इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। कल को हम उम्मीद करेंगे लड़कियों से भी कि वो भी ब्रॉन्ज मेडल लाएं। अनलकली हम लोग फाइनल में पहुंचे थे, दोनों टीमें नहीं पहुंच पाए, बट बेस्ट फॉर द होप।